गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डू मॉड्यूल 5 फ्रॉम आवर ग्रामर बुक। इन मॉड्यूल 5 वी डू डिटरमिनर्स। लेट्स डू इट। डिटरमिनर्स द वर्ड यूज्ड बिफोर नाउन और नाउन फ्रेज टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग आर कॉल्ड डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स वो वर्ड होते जो किसी नाउन या फिर नाउन फ्रेज से पहले उनके मीनिंग को निश्चित करने के लिए यूज किए जाते हैं। काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स आर्टिकल, पजेसिव, डोमेंस्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, क्वांटिफायर्स, नंबरल्स, इंटरोगेटिव। इन इट वी डू आर्टिकल, वी हैव डन आर्टिकल, पजेसिव, डेमोंस्ट्रेटिव। टुडे वी डू डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। लेट्स डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स रेफर्स टू अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल। डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, यानी कि कोई भी ग्रुप है उसमें किसी थिंग को या को बांटना या बंटवारा। रेफर्स टू अ ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूटिव जो डिटरमिनर्स होते हैं वो किसी ग्रुप को या फिर ग्रुप में किसी इंडिविजुअल को, यानी कि एक पर्सन को रेफर करते हैं, दर्शाते हैं। वर्ड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के कुछ शब्द जैसे ऑल, बोथ, वन, अनदर, अदर। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जैसे नीदर, आइदर, अनदर, एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल्स, ऑल कैट्स लव मिल्क। सभी बिल्ली दूध पसंद करती हैं। कुड आई हैव अनदर कप ऑफ कॉफ़ी। क्या मुझे दूसरा कप कॉफ़ी का मिलेगा या मिल सकता है। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव, फर्स्ट वर्ड इज ऑल। द डिस्ट्रीब्यूटिव ऑल इज यूज टू टॉक अबाउट अ होल ग्रुप। जो ऑल है वो किस ग्रुप को रेफर करता है, पूरे ही ग्रुप को दर्शाता है। ऑल कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। ऑल का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ भी करते हैं और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी। लुक एट द एग्जांपल्स, दिस सोप इज फॉर ऑल पर्पज। यह साबुन हर उद्देश्य के लिए है या सभी उद्देश्य के लिए है। ऑल पर्पज, यहाँ पर ऑल किसके साथ यूज हुआ है, पर्पज के साथ। दिस इज अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ऑल चीज कंटेन प्रोटीन। ऑल चीज अनकाउंटेबल है, चीज को भी हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ इसको मापा जा सकता है। चीज कंटेन्स प्रोटीन, सभी चीज में क्या होती है, प्रोटीन होती है। आई लाइक ऑल डॉग्स, मुझे सभी डॉग्स पसंद हैं। डॉग्स इज प्लूरल काउंटेबल नाउन। द नेक्स्ट वर्ड इज बोथ। बोथ रेफर्स टू द वॉल पेयर और इज इक्विवेलेंट टू वन एंड द अदर। बोथ जो वर्ड है वो पूरे पेयर के साथ यूज किया जाता है, वॉल पेयर होता है। एंड इज इक्विवेलेंट टू वन एंड द अदर, और ये किसके बराबर होता है, एक या एक और दूसरा, यानी कि दो वस्तुएं, दो थिंग है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, बोथ का। बोथ कैन बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, और बोथ का जो यूज होता है वो प्लूरल नाउन्स के साथ करते हैं हम। इट कैन बी फॉलोड बाई ऑफ, इसको हम ऑफ के साथ भी यूज कर सकते हैं, विद और विदाउट एन आर्टिकल, और इसके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते। एग्जांपल्स, बोथ कार्स आर न्यू। यहाँ पर जो कार्स है वो क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, और उसके साथ हमने किसका यूज किया है, बोथ। बोथ कार्स, यानी कि यहाँ पर कितनी कार्स की बात हो रही है, टू, वन एंड द अदर। बोथ कार्स आर न्यू, दोनों कारें नई हैं। लुक एट द नेक्स्ट एग्जाम्पल, बोथ चिल्ड्रन वर बोर्न इन इटली। दोनों बच्चे इटली में पैदा हुए।
Here both is used with plural noun. Both of us like skiing. हम दोनों को स्कीइंग पसंद है. यहाँ पर बोथ के साथ हमने किसका यूज़ किया है? ऑफ. और उसके साथ किसका यूज हुआ है? प्रोनाउन का. बोथ कैन बी यूज बिफोर अ पर्सनल प्रोनाउन. बोथ का यूज हम पर्सनल प्रोनाउन से पहले भी कर सकते हैं. पर्सनल प्रोनाउन जो हम अपने लिए यूज करते हैं, जैसे आई वी दे लाइक इट. लुक एट द एग्जाम्पल. वी बोथ वेंट टू कॉन्ग्रेचुलेट दैम. हम उन्हें बधाई देने के लिए गए. हम दोनों. वी बोथ मीन्स क्या है? हम दोनों. बोथ एंड इंडिकेट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडजेक्टिव नाउन्स वर्ब्स एक्सेट्रा. बोथ का जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ होता है? एंड के साथ. और ये किस वे में यूज किया जाता है? या तो फिर टू एडजेक्टिव को जॉइंट करने के लिए, कंबाइन करने के लिए, या फिर टू नाउन्स को, या फिर वर्ब्स को. लुक एट सम एग्जाम्पल्स. इट वॉज बोथ हॉट एंड ह्यूमिड. यह गर्म भी है और आर्द्र भी है. यहाँ पर जो हॉट है और ह्यूमिड है, ये दोनों क्या वर्ड है? एडजेक्टिव. इन दोनों एडजेक्टिव को कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए किसका यूज हुआ है? बोथ का. और थिंक भी क्या है? ओनली टू. वी बोथ प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट फिल्म्स. ही बोथ, वह फिल्मों को प्रोड्यूस भी करता है और डायरेक्ट भी करता है. यहाँ पर दो वर्क हुए हैं, टू वर्ब्स हैं, और उनको जॉइंट किसके द्वारा किया गया? बोथ और एंड के. वन, नेक्स्ट वर्ड इज वन. वन इज यूज इन एन एम्फेटिक सेंस इन प्लेस ऑफ अ या एन. ए आ या एन के प्लेस पर हम किसका यूज करते हैं? वन का. जब हमें किसी सेंस पर एम्फेटिक यानी कि ज़्यादा जोर देना होता है, तब हम वन का यूज करते हैं. लुक एट एग्जाम्पल्स. वन वूमन नॉवलिस्ट रोट. एक महिला नॉवलिस्ट ने लिखा. दैट शी वॉज क्रिटिसाइज्ड, कि उसकी आलोचना की गई थी. एज अ प्रोनाउन, और प्रोनाउन के रूप में वन शुड बी फॉलोड बाय एप्रोप्रिएट केस ऑफ वन. वन जब हम वन को प्रोनाउन के रूप में यूज करते हैं तो एप्रोप्रिएट यानी कि वन एप्रोप्रिएट केस में हम किसका यूज करते हैं? वन. वी क्लियर दिस पॉइंट विद सम एग्जाम्पल्स. वन शुड वन्स ड्यूटी. हम में से प्रत्येक को अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए. वन शुड डू वन्स ड्यूटी. यहाँ पर जो एप्रोप्रिएट केस क्या है? वन्स. और प्रोनाउन क्या है? वन. यानी कि इसका एप्रोप्रिएट केस ही यूज किया जाएगा, ना कि अवर्स का. वन शुड ओबे वन्स पेरेंट्स. हम में से प्रत्येक को अपने माता पिता का, पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए. यहाँ पर जो वन है वो प्रोनाउन के रूप में यूज हुआ है और वन्स इसका एप्रोप्रिएट केस है. ईच एंड एवरी. ईच इज अ वे सीइंग द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल्स. ईच का यूज हम किसी ग्रुप के मेंबर्स को देखने या फिर किसी एक व्यक्ति के लिए, हम इसका ग्रुप में किसी एक व्यक्ति के लिए इसका यूज करते हैं. वाइल एवरी इज अ वे सीइंग अ ग्रुप. जबकि जो एवरी है उसका यूज पूरे ग्रुप के लिए या फिर उस सीरीज ऑफ मेंबर्स यानी कि मेंबर्स की एक सीरीज के रूप में किया जाता है. लेकिन ईच का यूज हम इंडिविजुअल के लिए करते हैं और एवरी का यूज सीरीज ऑफ मेंबर्स के लिए. वी क्लियर दिस विद सम एग्जाम्पल. एग्जाम्पल्स. ईच चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट. प्रत्येक बच्चे को प्रेजेंट मिला, उपहार मिला. यहाँ पर जो ईच है वो इंडिविजुअल के रूप में यूज हुआ, व्यक्तिगत के रूप में.
एवरी चाइल्ड रिसीव्ड अ प्रेजेंट, प्रत्येक बच्चे को उपहार मिला। यहाँ पर जो एवरी है वो एम्फेसिस किस पे करता है, आ सीरीज ऑफ मेंबर्स पर, यानी कि ये सीरीज को दर्शाने के लिए यूज करते हैं, और ईच का यूज व्यक्तिगत, यानी कि प्रत्येक बच्चे पर एम्फेसिस करने के लिए हम ईच का यूज करेंगे। आई गेव ईच प्लांट सम वाटर, मैंने प्रत्येक पौधे को कुछ पानी दिया। यहाँ पर ईच का जो यूज होता है वो प्रत्येक, लेकिन जो सीरीज है उसका, सॉरी एवरी है यहाँ पर, आई गेव एवरी प्लांट सम वाटर, यहाँ पर ये सीरीज के रूप में यूज होगा। ईच का यूज हम इंडिविजुअल के लिए करेंगे और एवरी का यूज सीरीज ऑफ मेंबर्स के लिए, और इन दोनों ही वर्ड्स का यूज ग्रुप में किया जाता है। ईच का यूज इन ग्रुप में इंडिविजुअल पर एम्फेसिस करने के लिए, और एवरी का यूज हम सीरीज ऑफ मेंबर्स पर एम्फेसिस करने के लिए करते हैं। ईच एंड एवरी आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउंस, ईच और एवरी है उनका यूज किससे पहले होता है, सिंगुलर नाउन से, जैसे इज, वॉज, हैज, लाइक दिस। सॉरी, इन सभी वर्ब्स का ईच और एवरी के साथ यूज किया जाता है। ईच कैन बी यूज्ड विद प्लूरल नाउन्स, ईच और एवरी का यूज सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, लेकिन हम ईच का यूज जब इसके साथ हम ऑफ लगाकर प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ईच ऑफ द चिल्ड्रन रिसीव्ड अ प्रेजेंट, प्रत्येक बच्चे को उपहार मिला। ईच ऑफ द गर्ल, लेकिन मीनिंग सेम रहेगा, सिर्फ लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। ईच ऑफ द गर्ल गर्ल्स वो रे नाइस ड्रेस, प्रत्येक लड़की ने अच्छी ड्रेस पहनी हुई थी। नीदर आइदर, नीदर मीन्स नोट वन एंड नोट द अदर, नीदर का जो मीन्स होता है वो नेगेटिव सेंस में किया जाता है, और इसका जो अर्थ है वो क्या होता है, नोट वन, ना तो ये और ना ही दूसरा। इट इज यूज्ड इन ए नेगेटिव सेंस टू डिटरमिन डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू थिंग्स, और इसका जो यूज है वो टू थिंग्स को डिटरमिन करने के लिए, निश्चित करने के लिए किया जाता है। नीदर का इट टेक सिंगुलर वर्ब, और इसके साथ जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर। एग्जाम्पल्स, नीदर ऑफ देम नोज द आंसर, हम में से कोई भी आंसर नहीं जानता। नीदर हमेशा नेगेटिव सेंस के लिए यूज होगा। नीदर चेयर इज एनी गुड, कोई भी चेयर, यहाँ पर जो नीदर है वो किसके साथ यूज हुआ है, ऑफ के साथ, और उसके साथ हमने किसका यूज किया है, प्लूरल नाउन का, लेकिन यहाँ पर जब नीदर का यूज हमने चेयर के साथ किया है विदाउट ऑफ के, तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन का यूज हुआ है। नीदर चेयर इज एनी गुड, कोई भी चेयर अच्छी नहीं है। नीदर कैन बी यूज्ड विद नोर टू कंबाइन टू नेगेटिव्स, दो नेगेटिव को कंबाइन करने के लिए हम नीदर के साथ नोर का यूज करते हैं। लुक एट सम एग्जांपल्स, एग्जांपल्स, यू कैन हैव नीदर कुकीज नोर कैंडी, आप ना तो कुकीज ले सकते हो और ना ही कैंडी, दो नेगेटिव सेंस हो गए, कुकीज और कैंडी। शी इज नीदर टॉल नॉर शॉर्ट, वह ना तो छोटी और ना ही लंबी है। इधर इधर इज पॉजिटिव, इधर हमारे पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया जाता है। इट मीन्स, और इसका अर्थ क्या है, एनी वन ऑफ टू, दो थिंग्स में से कोई एक। इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स, ईदर ऑफ टू बुक्स विल डू, आप इन दोनों बुक में से कोई एक बुक कर सकते हो या करोगे। देर आर टू चेयर्स, यहाँ पर दो कुर्सियां हैं, यू कैन टेक ईदर ऑफ देम, आप इनमें से कोई एक ले सकते हो। ईदर इज कंबाइंड विद और जो इसका कॉम्बिनेशन होता है वो किसके साथ होता है, और के साथ। टू प्रेजेंट चॉइस बिटवीन टू थिंग्स,
सॉरी टू एक्शंस, दो कार्यों के बीच में चॉइस को प्रेजेंट करने के लिए इसका यूज करते हैं. इट विल कम ऑन, सॉरी आई विल कम ऑन ईदर थर्सडे और फ्राइडे. मैं या तो थर्सडे को आऊँगा या फिर फ्राइडे को, यानी कि किसी एक दिन तो आएगा वो, या तो थर्सडे को आए या फिर फ्राइडे को. टू एक्शंस हो गए या टू डेज हो गए उनमें से कोई एक के लिए. यू कैन हैव आइदर आइसक्रीम और चॉकलेट. आप या तो आइसक्रीम ले सकते हो या फिर चॉकलेट. यहाँ पर चॉइस हो गई है, या तो आप आइसक्रीम लो या फिर चॉकलेट. नोट ईदर और नाइदर कैन आल्सो बी यूज्ड विद द प्लूरल नाउन. ईदर को और नीदर का यूज हम प्लूरल नाउन के साथ कर सकते हैं और प्रोनाउन के साथ. इफ फॉलोड बाई ऑफ, यदि इनका यूज ऑफ लगा कर किया जाए. ईदर ऑफ यू कैन कम, आप में से कोई एक आ सकता है. ईदर ऑफ द होटल्स विल बी फाइन, उन दोनों होटल में से कोई एक अच्छा होगा. नीदर ऑफ हस, हम में से कोई भी नहीं. वर ऑन टाइम, हम में से कोई भी टाइम पर नहीं था. नीदर ऑफ द चिल्ड्रन वांटेड टू गो, दोनों बच्चों में से कोई भी जाना नहीं चाहता था. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. डियर स्टूडेंट्स, वॉच दिस वीडियो टू और थ्री टाइम्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. Or do some exercise from your book related to these words. Classroom assignment 43. Try to do its A, B or C part. It is your today's work. Thank you.